जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। किसी कारणवश 2 महीने से मैं आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं लेकर आ पाई। आज मैं आप सभी के लिए रात्रि सूक्त की वीडियो लेकर आई हूँ। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। रात्रि सूक्त 2 प्रकार के होते हैं, वेदोक्त रात्रि सूक्तम और तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम। माँ भगवती के पूजन में दोनों रात्रि सूक्तम का पाठ करने का विधान है। अगर दोनों का पाठ संभव न हो तो प्रकट नवरात्र में वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रकट नवरात्र साल में 2 बार आते हैं, चैत्र और आश्विन यानी अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। इसमें वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। और गुप्त नवरात्र यानी जुलाई और जनवरी के महीने में जो नवरात्र आते हैं, गुप्त नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं। इसमें तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में मैं वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करके बताऊंगी और इससे अगली आने वाली वीडियो में तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करके बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गा देव्यै नमः। ॐ रात्रित्यादष्टर्चस्य सुक्तस्य कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः रात्रिर्देवता गायत्री छन्दः देवी महात्म्यपाठे विनियोगः। ॐ रात्रि व्यख्यदायति पुरुत्रा दिव्यक्षभिः विश्वा अधि श्रियोधित ओरवप्रा अमर्त्य निवतो दिव्युद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः निरुश्वेशारमस्कृतोषसं दिव्यायति अपे दुहासते तमः सानो अद्य यस्यावयं नि तेयामन्न विक्ष्महि वृक्षेन वसतिं वयः निग्रामाशो अविक्षतनि पद्वन्तो निपक्षिणः निसेना सस्रश्च दर्थिनः यावया वृक्यं वृकं यवय स्तेन मुर्मये अथानः सुतरा भव उपमापेऽपि तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित उशरिणेव यातय उपतेगा इवाकरं वृष्णिष्व दुहितार्दिवः रात्रिस्तोमं न जिज्ञुषे। इति वेदोक्तं रात्रिसूक्तं संपूर्णम्। यह रात्रि सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है, इसीलिए इसे वेदोक्त रात्रि सूक्तम के नाम से जाना जाता है। वेदोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ संपूर्ण हुआ। अगर आपको हमारी यह वीडियो और हमारी सभी वीडियो अच्छी लगती हो या लाभदायक लगती हो तो हमारे चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक पर शेयर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो या आने वाली वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो या कोई सलाह देनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएं। माँ जगदम्बा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें एवं माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय दुर्गे।